Hi, I'm Janvi Srivankar. We just finished performing Same Same But Different by Tamasha Theatre. It was a great experience to perform at the Cube. There was a lot of mixed audience, which is new for me to have this kind of an audience, you know, lots of different reactions than what we have usually had, but good, because, you know, to make a connection with the audience in a new place is a bit tough, you know, because this venue itself is new. It's beautiful, of course, but for the audience, it's a new venue as well as for the artists. It takes a lot of effort from the artists as well as the audience to make that connection. And I thought that the audience was completely with us right from the beginning, which was a winning point for us. It's got a variety of theatres, variety of performance spaces, which allows all kinds, a wide range of performances to happen. You know, a lot of big productions as well as not so big productions, or even smaller productions who are experimenting, artists that want to experiment. And hopefully audience will also start taking a liking gradually to even the experimental stuff that is happening in the city. And it's nice to have a cultural center that has all kinds of performance spaces. जैसे कि अभी बताया है मेरे दोस्त ने कि हमने अभी अभी यहाँ पे शोज खेला है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे शो करने के लिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में तो हम शो खेलते हैं, लेकिन यहाँ का प्लेस का एक एनर्जी है और वो एनर्जी बहुत बढ़िया लगा. ग्रीन रूम से लेके जैसे कि एंटर किया, मुझे एक कंसेप्ट ही बहुत अच्छी लगी कि एक कल्चरल सेंटर बनाया जाए आर्टिस्ट लोगों के लिए, और वहाँ पे आर्ट फॉर्म, अलग अलग आर्ट फॉर्म दिखाए जाए, खेले जाए. और खुशी ये है कि यहाँ पे हमने शो खेला है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पूरा अटायर है, पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एनर्जीदायक है. जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ के ऑडियंस बहुत मिक्स थे, सच में बहुत मिक्स थे. ऐसे नहीं कि हाँ चलो बस नाटक देखने, ऐसा नहीं है, तो पूरा समझ ले रहे थे. एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ एक्चुअली हो सकता है कि पहली बार वो थिएटर देखने आए हों, शायद, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने शायद नई ऑडियंस को अट्रैक्ट किया और शायद उनको पसंद आया. करेक्ट. तो होपफुली वो और थिएटर देखने में इंटरेस्ट लें फ्यूचर में. करेक्ट. और ऑडियंस के लिए भी, शायद हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक नई तरह की ऑडियंस को केटर के लिए परफॉर्म कर रहे थे आज. Correct. तो और ये आर्टिस्ट के लिए तो क्या होता है कि हर तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो शोज. तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था और मुझे मज़ा आया वो चैलेंज फुलफिल करने की कोशिश करने में. यहाँ पे मतलब जो दूसरा ऑडिटोरियम है, ये तो द क्यूब में किया हमने, जो दूसरा वाला ऑडिटोरियम वहाँ पे नसीर जी का शो हो रहा था, साइमल्टेनियसली दो शो चल रहे थे, तो उसकी भी एक अलग खुशी थी क्योंकि ग्रीन रूम भी हमारे आसपास ही थी, तो ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है. सो थैंक यू सो मच कि हमें यहाँ बुलाया गया, और बार बार आएंगे, आर्ट देखने के लिए आएंगे, नाटक खेलने के लिए आएंगे, और अच्छा है कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ है और जिसका हम पार्ट बने हैं.